हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माई अनदर ब्लॉग। आई होप यू डूइंग गुड। और आज ब्लॉग की शुरुआत मैं बहुत दिनों के बाद अपने कैंपस से कर रहा हूँ। और आज का जो ब्लॉग होने वाला है मेरा, कुछ वो कैंपस को लेके, जो AKTU कैंपस है उसका रिव्यू मतलब मैं दे रहा हूँ आज। कुछ मेरे दोस्त हैं, कुछ सीनियर्स हैं स्टूडेंट्स, उनका रिव्यू वीडियो होने वाला है। तो अभी देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। हाँ जी फ्रेंड्स, तो फिर मैं अब आ गया हूँ अपने कॉलेज में और चलता हूँ क्लास में और क्लास के स्टूडेंट्स का रिव्यू दिखाता हूँ आपको। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये है अपनी क्लास और चलो क्लास में करते हैं एंट्री और फिर फ्रेंड्स का रिव्यू देते हैं आपको। तो ये है एमटेक फर्स्ट ईयर की क्लास CSE की और ये अपने हैं फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। सो आज मैं ब्लॉग बना रहा हूँ शुभांशु, सारे फ्रेंड्स, विकास और ये अपना CR, ये राजकुमार अंसारी और अपना अभिषेक भाई। सो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है मेरा वो अपना एक साल कम्प्लीट होने वाला है ना, तो वो कुछ थोड़ा थोड़ा रिव्यू देना है कॉलेज के बारे में। तो पहले CR तुम स्टार्ट करो। ठीक है, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, टीचर्स भी अच्छे हैं, सारे PhD टीचर्स हैं। अच्छा। और वाटर फैसिलिटी भी अच्छी है, AC वगैरह भी। राज भाई तुम बताओ। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। हाँ। टीचर बहुत वेल क्वालिफाइड है। ओके। और लैब भी बहुत अच्छी है और लैब सेशन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, मतलब अच्छा है। सुभांशु भाई, आई जस्ट वॉन्ट टू से यू विल एंजॉय योर 2 ईयर्स इन अ वेरी प्रॉपर मैनर एंड यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। बस वांसु भाई अपना DRDO में सेलेक्ट हो गया। ये मत बोल भाई, ब्लॉक कटवा दूंगा तेरा। इसको भाई बहुत बहुत बधाई हो। राजकुमार भाई बोलो। भाई यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे जो भी लैब है पूरे हाई क्लास लैब है। ओके। यहाँ पे AI लैब है जो कि ऑल ओवर इंडिया में बेस्ट लैब है यहाँ पे, जहाँ पे हम सर्वर का एक्सेस ले सकते हैं, सर्वर से कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे गूगल लैब भी है, गूगल के द्वारा बनाया गया गूगल लैब भी है, तो साइबर सिक्योरिटी फंडेड लैब है गूगल का। अंसारी भाई बताइए कुछ। ये हमारे अंसारी, ये टॉपर्स बैठे हैं दोनों क्लास के, अब इनका रिव्यू देखते हैं क्या होता है। अंसारी कुछ बोलो। बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और टीचर्स बिल्कुल। और मास्टर्स प्रोग्राम के लिए क्या कहना चाहोगे यहाँ पे, मतलब जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं यहाँ पे एडमिशन के लिए, उनके लिए क्या कहना है तुम्हारा? क्या बोला तूने? अभिषेक भाई तुम्हारा क्या रिव्यू है बताइए। तो यही कहूँगा कि अगर मेहनत कर सकते हो तो बहुत अच्छा कॉलेज है, रिसोर्सेज बहुत हैं बंडन में आपके लिए, यूज़ करो ना चाहो तो यूज़ कर लो, नहीं तो फिर ठीक है। ये ठीक है, तो ये रिव्यू थे, अभी और दिखाते हैं कुछ लोगों के आपको रिव्यू। और भाई तुम अपना रिव्यू दो कुछ कॉलेज के बारे में बताओ। भाई यहाँ की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, जो पढ़ने वाला है जाके पढ़ो, सुकून से बैठो सुबह शाम तक, ना कोई रोकने वाला ना कोई कुछ बस। और प्रशांत तुम्हें क्या बोलना है कॉलेज के बारे में, एक साल कंप्लीट होने वाला है? कॉलेज बहुत अच्छा है, यहाँ सब रिसर्च की फैकल्टी बहुत अच्छी है, रिसर्च जिसको करना है वो आए, PhD के लिए बहुत ही अच्छा है, सारी सुविधा है। चलो ठीक है। वैष्णवी तुम्हारा क्या कहना है कॉलेज के बारे में? ये है कि यहाँ की लैब फैसिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी दी गई हुई है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है एंड अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अच्छी अच्छी फैकल्टीज हैं, तो थोड़ी हेल्पफुल है हमारे लिए सभी के लिए। ओके। और अनुभूति? जैसा राहुल ने कहा कि लाइब्रेरी बहुत अच्छा, सच में अच्छा है, फैकल्टीज भी बहुत अच्छी, बहुत हेल्पिंग नेचर है उन लोग का, और कभी भी कुछ भी पूछो तो बता देते हैं और हेल्प भी कर देते हैं। और जो CSE के लिए क्या बोलना है, जो अपना ब्रांच है कंप्यूटर साइंस उसके लिए क्या कहना है तुम्हारा? वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। ओके। और श्रुति तुम्हारा क्या कहना है? यहाँ का AC बहुत अच्छा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये तो सबसे अच्छा है। प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ कॉलेज के बारे में? लाइब्रेरी अच्छी है, लैब अच्छी है। थैंक यू फॉर यू। सो फ्रेंड्स, देखा मैंने अपने क्लासमेट्स का रिव्यू दिया आपको और अब हमारे एक सीनियर भैया हैं, उनका रिव्यू देता हूँ आपको, चलते हैं उनके पास। हेलो भैया। हेलो। और तो बढ़िया बढ़िया भैया। तो भैया मैं कुछ एक वीडियो शूट कर रहा हूँ अपने कॉलेज के रिव्यू के बारे में। अच्छा। तो हमने कहा सर आप सीनियर हैं तो आपसे बेटर रिव्यू मिलेगा, तो बताइए भैया कुछ कॉलेज के बारे में यहाँ पे। कॉलेज तो जैसा कि पता है सेंटर फॉर एडवांस स्टडी AKTU के एफिलिएटेड कॉलेज है। जी 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 भैया। ये आपका मोस्टली रिसर्च मास्टर्स और PhD के लिए कॉलेज है। जी जी भैया। तो यहाँ रिसर्च होता है 5 फील्ड में, एक नैनो टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, MTA, मेकाट्रॉनिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस। जी भैया। तो फैसिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे AI लैब है और लैब फैसिलिटी सबसे अच्छी है। NVIDIA की AI लैब है जो 50.2 पेटाबाइट पे चलती है। ओके। इसका पूरे इंडिया में टॉप 5 लैब फैसिलिटी में अपने कॉलेज का नाम आता है, तो ये आपके लिए बेटर है। और भी यहाँ 3D प्रिंटिंग्स हो गए, स्कैडा के लैब हो गए, मैट लैब हो गए, सारी लैब फैसिलिटी अच्छी है। इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है आप देखो तो। और सबसे बेस्ट चीज़ ये कहेंगे जो टीचर्स फैकल्टी है ना, जी भैया, बहुत अच्छी है।
यहाँ पे हमारे जो डायरेक्टर रहे हैं और जिनकी वर्किंग रही वो कई साल एक्सपीरियंस होके वो आए हुए हैं, तो जो अभी हमारे नए जो डायरेक्टर सर हैं उनकी भी अच्छी खासी एक्सपीरियंस है GIS रिमोट सेंसिंग में उन्होंने वर्किंग किया हुआ है जी। तो फैसिलिटी तो हमारे हिसाब से अच्छी है और रिव्यू भी कॉलेज का। और भैया एक चीज़ मतलब ये पूछना है, जो अभी आने वाले बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए ये कहना है कि कॉलेज अगर फैसिलिटी वाइज आप अगर चूज कर रहे हो लर्निंग पर्पस पे तो उसके लिए आपको सारी फैसिलिटी मिलेंगी, एफर्ट आपको देना है। बट अगर आप AI ML पे आ रहे हो तो उसके लिए आपको सर्वर लैब है, अगर आप क्या कहते हैं रोबोटिक्स में आ रहे हो उसके लिए स्कैडा लैब है, मैट लैब है, जहाँ पे सारी फैसिलिटी है। और टाइमिंग का भी कोई इशू नहीं है, आप मॉर्निंग टाइमिंग पे आओगे जितनी देर तक रुको अपनी लैब यूज करो, टीचर से अपनी कोलैबोरेट करो, हर कोई हेल्पिंग नेचर है। कॉलेज ओवरऑल रिव्यू बहुत अच्छा है आपका। ओके, आप अगर यहाँ एडमिशन लेना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, और एडमिशन सेशन भी शुरू हो चुके हैं आपके। हाँ भैया, तो आप यहाँ पे आ सकते हो, एक बार ट्राई विजिट भी कर सकते हो। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या कहना है? इंफ्रास्ट्रक्चर देखता कि आपने देखा होगा अभी पुराना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे चार बिल्डिंग्स पूरी कैस्ट जो बिल्डिंग है, चार बिल्डिंग्स में पहला AKTU का मेन कैंपस है, एक बहुत बड़ा हमारे पास अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम है जी, जी। हमारी कैश की बिल्डिंग होगी और एक सेंट्रल लाइब्रेरी जो AKTU के अंदर है, जिसके अंदर 2000 से लेकर पब्लिकेशंस, एल्सवेयर्स, वाइली और इन सब चीजों के सब्सक्रिप्शन है। तो आप किसी भी कॉलेज से हो आप यहाँ पे आके लाइब्रेरी भी यूज कर सकते हो, ओपन लाइब्रेरी है और सारी फैसिलिटी है। इसके लिए नाइट को भी आपको बैडमिंटन प्ले के लिए, और साइड में अभी रिसेंटली कोर्ट बन रहे हैं जो क्या कहते हैं बास्केटबॉल और टेनिस के लिए कोर्ट बनाए जा रहे हैं। थोड़ा टाइम के बाद हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल हो जाएगा। हाँ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सब कुछ डेवलप्ड हो रहा है, बट ये कि आप अगर एडमिशन लेते हो तो जल्द जल्द बाकी चीजें भी आपको मतलब कुल मिला के पढ़ाई के साथ साथ में सारा माहौल अच्छा है। पढ़ाई के साथ साथ आपको कैंपस भी है, ग्रीन कैंपस है, आपको अवेलेबल लेट नाइट तक आपको एंट्री रहेगी, ऐसा भी कुछ नहीं, रिस्ट्रिक्शन भी है बट एक लिमिटेड तक है कि आप यहाँ पे सारी फैसिलिटी को यूज कर सकते हो। चलिए ठीक है भैया, और भैया के बारे में बताना है, भैया अपने CSE किसान है और बहुत बहुत अच्छी शायरी करते, तो भैया कुछ दो लाइनें बोलना चाहेंगे आप हमारे व्यूवर्स के लिए? तो कुछ लाइंस है कि कौन गलत है किसे संभाला जाए जी, कौन गलत है किसे संभाला जाए, चलो समंदर से दरिया निकाला जाए, वाह वाह वाह, गम में बैठने से कुछ नहीं होने वाला, गम में बैठने से कुछ नहीं होने वाला, उम्र बाकी है जितनी हंसकर गुजारा जाए। और दो लाइनें हैं सारे लोगों के लिए कि सारे गांव के लिए कि चलते रहो तन्हा जिंदगी यूं ही आजाद। क्या बात है। मेरा नाम राहुल मौर्य है बट मैं शायर आजाद नाम से पेन राइटिंग करता हूं। तो चलते रहो तन्हा जिंदगी यूं ही आजाद, जरूरी नहीं मंजिलों तक हर किनारा जाए। वाह वाह, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात, बहुत बढ़िया, थैंक यू भैया, थैंक यू फॉर रिव्यू, थैंक्स। सो फ्रेंड्स, देखा कि जैसा कि मैंने अपने क्लासमेट्स और एक सीनियर भैया थे उनका कॉलेज का रिव्यू दिया आपको, और अगर कुछ और पॉसिबल होता किसी और का रिव्यू तो वो भी मैं अभी ऐड करूँगा इसमें, दिखाता हूँ आपको। अभी तो फिलहाल मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, वहाँ पर लाइब्रेरी तो काफ़ी बार दिखा चुका हूँ, बट एक बार फिर आपको दिखाता हूँ अपनी लाइब्रेरी। ये सर जस्ट फ्रंट का व्यू है लाइब्रेरी का, और यही है हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी इन AKTU। तो चलते हैं इसके अंदर बैठते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारी मैम है CSE की। हेलो मैम। मैम बताइए कुछ अपने दो साल के जर्नी के बारे में। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, और मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम MLI किशोर दत्ता एंड देन अरुण सर एंड देन जागृति मैम, इन लोगों से मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब है, लिनक्स लैब है, और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह कुछ भी हमें प्रॉब्लम होती है तो हम सीधा राकेश सर से कन्वे करते हैं और उनसे पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसके बाद हमने दत्ता सर या इन लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है कि हमने रिसर्च पेपर कैसे किया जाता है, फर्दर MTech में ही हमें रिसर्च आर्टिकल कैसे लिखना होता है, लिटरेचर सर्वे कैसे करना होता है, और बाकी चीज़ें जो भी है हम लोग, जैसे मैंने यहाँ के इस दत्ता सर ने हमें LOR लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिया था, तो हमने IIT BHU से इंटर्नशिप भी करी है कि ये कॉलेज बहुत अच्छा है, मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से। फर्दर मैं आगे PhD करने वाली हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत कुछ मैंने इस कॉलेज से सीख लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस कॉलेज में। और मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो अभी न्यू स्टूडेंट आने वाले मास्टर्स के लिए, उसके लिए क्या कहना है?
उसके लिए कहना है कि स्टार्टिंग से जैसे ये कॉलेज रिसर्च ओरिएंटेड है तो इसलिए हमें स्टार्टिंग में ही टॉपिक को कोई एक इनिशियलाइज करो, उसके बाद उस टॉपिक को पढ़ो, फिर उसका लिटरेचर सर्वे करो। इस लिटरेचर सर्वे करने के बाद हम देखना चाहिए उसमें फाइंडिंग्स क्या है उस टॉपिक में। इसके बाद फाइंडिंग के बाद हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हम प्रीवियस पेपर को भी देख सकते हैं कि क्या क्या मिस चीज़ें मिस कर रह गई है, तो बाकी हम उसको सही कर सकते हैं। इसके लिए हम काम कर सकते हैं रिसर्च के लिए, बाकी भी कॉन्फ्रेंस पेपर वगैरह सब कुछ हो जाता है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर यू। हाँ जी, तो देखा कि मैंने बहुत सारे लोगों का रिव्यू दिया आपको, और बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रिव्यू जो उनको अच्छा लगा वो दिया। फिर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये जो कॉलेज है एक्टिव का केस, ये रिसर्च ओरिएंटेड है, तो पूरा रिसर्च बेस्ड कॉलेज है। और जो भी स्टूडेंट को रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट है तो यहाँ पर मतलब आ सकता है, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है, अच्छी लैब्स वगैरह हैं, और मतलब नॉर्मली ज़्यादातर फोकस यहाँ पर रिसर्च का रहता है। जो तुम्हारे फैकल्टी टीचर्स होंगे वो भी मतलब रिसर्च ओरिएंटेड ही मतलब काम करवाते हैं तुम्हारा। फॉर एग्जांपल पेपर वगैरह नहीं होता है उसको पब्लिश करवाना, ये सब मतलब रिसर्च फील्ड में ज़्यादा काम रहता है। तो आप अगर रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं आगे कुछ पीएचडी के लिए सोचना, क्योंकि यहाँ पे मास्टर्स ऑफ पीएचडी का प्रोग्राम रन होता है, तो अगर उसके लिए अगर आपने सोचा है तो बहुत ही मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ और बताना था, यहाँ पे मास्टर्स और पीजी के प्रोग्राम जो चल रहे थे, मास्टर्स और पीएचडी हो रहा था, और पिछले साल से यहाँ कॉलेज में बी फार्मा का प्रोग्राम लॉन्च किया है इन्होंने। तो बी फार्मा होता है यहाँ पे एंड तुम्हारा एमबीए भी होता है। तो अगर आपको एमबीए और बी फार्मा का रिलेटेड रिव्यू चाहिए तो कमेंट करें, अगर अच्छे कमेंट आते हैं तो फिर मैं उसका भी रिव्यू वीडियो बनाता हूँ। सो फ्रेंड्स, जो मेरा आज का ब्लॉग था ये वो एक्टिव का रिव्यू ब्लॉग था, और मैंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लोगों का रिव्यू लिया जो कि आपने वीडियो में देखा होगा। आपको कैसा लगा उनका रिव्यू कमेंट करके बताइएगा, और ये आज का ब्लॉग मैं यहीं पेंड करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।